प्रिया बात कर लेते हैं ब्रिटेन की, जहां पर बड़ा राजनीतिक बदलाव हुआ है। अब तक विदेश सचिव की जिम्मेदारी संभाल रही लिज ट्रस अब ब्रिटेन की प्रधानमंत्री होगी और आज लिज ट्रस प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगी। ये शपथ समारोह आपको बता दें कि बालमोरल में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की उपस्थिति में होगा। इस दौरान कंजर्वेटिव पार्टी के शीर्ष नेतृत्व समेत विपक्षी लेबर पार्टी के नेता भी इसमें शामिल होंगे। बता दें कि लिज ट्रस ने कड़े मुकाबले में भारतीय मूल के पूर्व वित्त मंत्री ऋषि सुनक को मात दी है। लिज ट्रस को 81,326 वोट मिले जबकि उनके प्रतिद्वंदी ऋषि सुनक को 60,399 वोट मिले। पहले 5 राउंड के मुकाबले में ऋषि सुनक को भारी बढ़त हासिल थी लेकिन कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्यों की अंतिम वोटिंग के दौरान लिज ने जीत हासिल की है। इस चुनाव में पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने खुलकर लिज ट्रस का समर्थन किया था। उन्होंने पार्टी के सदस्यों और सांसदों से लिज ट्रस के लिए वोट भी मांगे थे। तो आज शपथ लेने जा रही है लिज ट्रस और ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि इससे पहले उनका राजनीतिक सफर जो है वो कैसा रहा है। कुछ ग्राफिक्स हमने तैयार किए हैं, आइए उनके जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर लिज ट्रस का राजनीतिक सफर जो था वो कैसा रहा। 2010 में वो पहली बार सांसद बनी थी। 2010 में पहली बार लिज ट्रस जो थी वो सांसद बनी थी और इसके बाद आपको बता दें कि 2012 में कैमरून सरकार में वो शिक्षा मंत्री बनी थी। 2010 से जब वो पहली बार सांसद बनी उसके बाद राजनीतिक सफर जो था उनका वो आगे बढ़ता चला गया। 2012 में शिक्षा मंत्री वो बनी। 2016 की बात करें तो 2016 में थेरेसा सरकार में वो कानून मंत्री बनी। तो लगातार एक के बाद एक मंत्री पद जो था वो उन्हें मिलता चला गया। सांसद बनती है 2010 में, उसका 2012 2016 के बाद 2017 की बात करें तो जॉनसन सरकार में वित्त मंत्री का जिम्मा उनको सौंपा गया था। जॉनसन सरकार में 2017 में वित्त मंत्रालय उनके पास था, वित्त मंत्री की भूमिका वो निभा रही थी और 2019 में जॉनसन सरकार में विदेश मंत्री भी वो बनी, यानी विदेश मंत्री का जिम्मा भी उन्होंने बखूबी संभाला 2019 में। और इसके अलावा कहां कमजोर पड़े ऋषि सुनक ये आपको समझा दें, बोरिस जॉनसन के खिलाफ दरअसल वो चले गए थे और ये बहुत बड़ी कमी कह लीजिए इसे या कमजोरी कह लीजिए, यहां पर आकर उन्हें सामना करना पड़ा कुछ चीजों का। लिज ने लोक लुभावन वादे किए थे, लोक लुभावन वादे जो लिज की तरफ से किए गए थे वो कहीं ना कहीं ऋषि सुनक के सामने जो थे वो भारी पड़े। इसके अलावा टैक्स कम करने के खिलाफ लगातार ऋषि सुनक जो थे वो नजर आ रहे थे, ये भी उनकी निगेटिविटी में काउंट हुआ ये चीज भी कि टैक्स कम करने के खिलाफ वो थे जबकि लोग चाहते हैं कि टैक्स कम हो। इसके अलावा प्रवासी होने का ठप्पा उनके ऊपर हमेशा से लगता रहा है और इस बार भी ये एक वीकनेस के तौर पर काम किया कि वो प्रवासी हैं। और इसके अलावा बोरिस जॉनसन के खिलाफ जब वो गए तो आपको हमने समझाया कि आखिर कहां ऋषि सुनक जो थे वो कमजोर पड़ गए। तो और लिज ट्रस का भी राजनीतिक सफर जो था वो आपको हमने समझाया कि कैसे 2010 में पहली बार वो सांसद बनी, 2016 में थेरेसा सरकार में कानून मंत्री बनी। तो चलिए अब हम ब्रिटेन की बात कर रहे हैं, तो दरअसल ब्रिटेन ने अपने नए प्रधानमंत्री के रूप में लिज ट्रस को चुन लिया है और जिस पर खुशी जाहिर करते हुए यूरोपीय संघ में भारत के पूर्व राजदूत मनजीव सिंह पुरी ने कहा कि वो भारत को अच्छी तरह से जानती है, इससे भारत और ब्रिटेन के रिश्ते और ज्यादा मजबूत होंगे। मिस लिज ट्रस बहुत अनुभवी पॉलिटिशियन है, बहुत सालों से मिनिस्टर रही है, हाल ही में वो फॉरेन सेक्रेटरी थी यानी कि फॉरेन मिनिस्टर थी, भारत भी आई थी कुछ महीने पहले और वो भारत को अच्छी तरह जानती है। इसलिए मैं मानता हूं कि उनकी इलेक्शन, और इसका यह माना नहीं कि ऋषि सुनक जी के इलेक्शन से कुछ और होता, उनकी इलेक्शन से भारत और ब्रिटेन के जो रिलेशनशिप्स हैं, जो उनमें तीव्रता है, जो उनमें शीघ्रता है, जो जिस तरह से उनमें स्ट्रेंथ है, वो स्ट्रेंथ को आगे बढ़ाने के लिए वो प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से जो कर सकती हैं वो भी करेंगी। और मैं मानता हूं कि ये ब्रिटेन के लिए अच्छा होगा, भारत ब्रिटिश रिलेशन